जवाई राजा ऋषिकेश से मुरादाबाद को निकल रहे हैं। हम ऋषिकेश आए थे क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, तो हम 2 दिन के लिए ऋषिकेश आए थे। हम दोनों अब ऋषिकेश से मुरादाबाद को जा रहे हैं अपनी दूसरी मम्मी के पास, यानी मेरी सासू माँ के पास। तो आपको दिखाते हैं यहाँ से वहाँ तक का हमारा सफर। तो अब शायद हम ये रायवाड़ा में, रायवाड़ा में राजा जी नेशनल पार्क है जो आपके लिए फेमस है। हाँ, राजा जी नेशनल पार्क। यहाँ पे गाड़ी से उतरना मना होता है, यहाँ पे इधर से, इधर वाला जो एरिया रात को भी थोड़ा सा खतरा रहता है यहाँ पे, क्योंकि जानवर हाथी, हाथी तो बहुत, हाथी आते हैं इधर के साइड, बहुत केसेस हुए हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क टाइगर के लिए फेमस है ना, वैसे ही हाथियों के लिए राजा जी नेशनल पार्क। अभी आगे आएगा एंट्रेंस, इसका आगे दिखाएंगे आप। यहाँ से हम एक्चुअली हाईवे में हैं, यहाँ से राजा जी नेशनल पार्क का एंट्रेंस आप देखिए इधर से। यहाँ सफारी होती है ना सर? हाँ, जैसे कॉर्बेट में होती है ऐसे यहाँ पे भी है। इस वजह से, हाथियों के डर की वजह से यहाँ पे हाईवे बन चुका है। पहले तो नीचे के रास्ते जाते थे, हरिद्वार जाना होता था, अभी बहुत टाइम लग जाता था पहले तो। अभी तो आप 20-25-30 मिनट में हरिद्वार पहुँच जाओगे। हम लोग पहुँच गए हैं शांति कुंज, गेट नंबर 2 शांति कुंज का। ये शांति कुंज का गेट नंबर 2। मेरा यहाँ वर्तमान हुआ था, यहाँ बर्तन शादी सब होता है, यहाँ पे बर्तन मुंडन शादी वगैरह सब होते हैं। शांति कुंज गेट नंबर 4। यहाँ पे आधार कार्ड दिखा के एंट्री मिलती है आपको। ये इंक्वायरी काउंटर है ना इनका, अभी भी काम चल रहा है यहाँ पे, इतने सालों से काम ही चल रहा है। नहीं, ये फ्लाईओवर पूरा बनना है ना, हर बार से किसी केस वाला जो है, लेकिन फ्लाईओवर अभी आधा बना है। वो जो आप वहाँ पे मोतीचूर के नदी पे जो बना हुआ देख रहे थे, तो वो अभी आधा है, पूरा बन जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे लाइन से होटल ही होटल है, होटल्स हैं और कई सारे यहाँ पे धर्मशाला हैं, बहुत सारी धर्मशालाएं मिल जाएंगी आपको। जय बाबा हरिदास धाम। हरिद्वार तो बहुत ब्यूटीफुल जगह है, सब धार्मिक स्थल ही है। हम जा रहे हैं गंगा जल भरने के लिए, मेरी सासू माता ने हमसे गंगा जल मंगाया था, तो हम यहाँ से डब्बा खरीदेंगे और फिर वहां से गंगा जल खुद भर के आएंगे।
भारत माता की जय। शिव जी कितनी बड़ी मूर्ति है, गंगा मुनगेरी हमारे जय। हम हाईवे से नीचे कट गए हैं, इसीलिए इतना सुंदर पेंटिंग करी है ना वॉल पे। इधर से बस स्टॉप के लिए रास्ता जाता है और जो सिडकुल में यहाँ लोग काम करते हैं उधर आगे के साइड रास्ता जाता है और हमने जाना है इधर मुरादाबाद को। हम भाई यूपी वाले हैं, यूपी को निकलेंगे इधर से। अभी हम चंडी का पुल क्रॉस करेंगे। मैं तो उत्तराखंड वाला हूँ। अरे भाई जहाँ हम रहते हैं वही हमारा है अभी तो। क्या हो गया, यूपी हो चाहे उत्तराखंड हो क्या फर्क पड़ता है। ये चंडी पुल, चंडी पुल है इधर। इतना सुंदर है ना, जब भी मैं कॉलेज से वापस आती थी तो यहाँ पे आके मुझे हमेशा ऐसा लगता था वाह अपनी जगह पहुँच गए इस पुल को क्रॉस करते टाइम। आगे चंडी माता का मंदिर भी है। ये मेरे बजरंगबली, ये भी हमारे साथ घूमते रहते हैं और हमारी रक्षा भी करते हैं एक्चुअली। जय बजरंगबली, बोलो जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। नीलकंठ जाते हैं पैदल पैदल, माननी पड़ेगी इन लोगों की भक्ति को भी। कुछ लोग हरिद्वार से ही भरते हैं, कुछ लोग नीलकंठ से भरते हैं पैदल। पहले तो जैसे कि सड़कों पे लेट लेट के ये लोग मतलब जाते थे जिन्होंने मन्नत मांगी होती थी, लेकिन बहुत ज्यादा ट्रैफिक और बहुत सारे ऐसे दुर्घटनाएं हो जाती थी जिसकी वजह से शायद अब ये चीजें बहुत कम कर दी गई हैं। अब इसमें ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कावर्स हो गई हैं। कई कावर वो होती है जो कंधे से नीचे नहीं रखी जाती है, कई कावर लगातार चलने वाली होती है जिन्हें रोका नहीं जाएगा, कोई भागते हुए ले जाएंगे। तो इसमें कई प्रकार की कावर जैसी मन्नत मांगी होती है वैसे बहुत तरीके से चले जाना होता है, मेन मकसद। आप और मैं भी तो आए थे ना फर्स्ट टाइम। हाँ ये देखो पार्किंग नहीं अभी बनी है, ये यहाँ आने वाले श्रद्धालु टेम्पो स्टैंड, ये है इसका मेन गेट चंडी मंदिर का। ये चंडी माता के मंदिर का ये है मेन गेट, माँ चंडी देवी उत्तराखंड। उड़न खटना यहीं से ही जाता है। हाँ जी हाँ जी आंटी रुके हैं रुके हैं, आप आराम से जाइए। ओके जय माता। हमेशा क्राउड ही रहता है बहुत, और संडे के दिन तो खासकर। ये देखो बहुत सुंदर है माता का मंदिर कितना। घुमाए कैसा, कैसा?
किसको सताओगे मुझे, किस तरह से मिटाओगे मुझे, किस तरह से मिटाओगे मुझको तो बर्बाद किया है और किसे बर्बाद करोगे, रोके फरियाद करोगे भाई, गेट खोल दो। चाची प्रणाम, कैसा लगा फिर आपको हमारे बिना? अच्छा, बहुत अच्छा लगा। नहीं लगा, कह रहे बहुत अच्छा लगा मुझे। पति को तो छोड़ दिया बाहर। तो हम फाइनली घर पहुंच गए हैं।